इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समझ में आ गया ना भाई। कुकर काम करे जंक्शन ट्रांजिस्टर, सिंपल है कि एक्शन ऑफ जंक्शन ट्रांजिस्टर या वर्किंग ऑफ जंक्शन ट्रांजिस्टर। तो इसके लिए बेटा मैंने क्या बोला था आपको, बिल्कुल सिंपल वे में करना है, छोटा तरीका और सिंपल। आपने कहा था कि भाई जंक्शन ट्रांजिस्टर हम ले लेते हैं बेटा, कोई भी जंक्शन ट्रांजिस्टर, ये जंक्शन ट्रांजिस्टर बनाते हैं बेटा हम कुछ कोई भी। तो दो तो ठीक लेयर और ये थिन लेयर, ठीक है बेटा। ये क्या बेटा आपका एमिटर, ये क्या था बेटा आपका बेस, और ये क्या था बेटा आपका कोलेक्टर, क्या था बेटा कोलेक्टर। ओके, बात करते हैं कि लेट वी हैव टेक पीएनपी, वी हैव टेक पीएनपी, क्या लिया बेटा हमने पीएनपी जंक्शन ट्रांजिस्टर ले लिया। यस ले सकते हैं एनपीएनबी पीएनपी, पहले एक की वर्किंग समझो, दूसरा अपने आप आ जाएगा। एक मिनट पहले वर्किंग समझो बेटा, इसमें मेजोरिटी चार्ज का कैरियर कौन है बेटा होल्स, और माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स। होल्स तो इसमें मेजोरिटी चार्ज कैरियर है, इसमें मेजोरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन, और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इसमें होल्स, क्या बेटा होल्स, ठीक है जी। या थीम है नंबर डेंसिटी क्योंकि इसमें कम होगी, क्योंकि बेटा कम होगी, बेशक से आप नंबर डेंसिटी कम कर लीजिए, एलो नंबर डेंसिटी बेटा जो है कम कर लीजिए, डोंट वरी। ये कौन है पी, पी में कौन ज्यादा है, पी में होल्स कौन ज्यादा बेटा, होल ज्यादा होते मेरे बेटा, ये मैंने बताया था पी में कौन ज्यादा होते बेटा, होल ज्यादा, इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होती है, ठीक है बेटा। ये था, अब क्या होगा देखिए बेटा, कि इनपुट को फॉरवर्ड बायस करना है, इनपुट को क्या करना है बेटा फॉरवर्ड। तो बेटा यहां बैटरी लगानी है, तो बैटरी लगाओगे तो ये पी क्या है फॉरवर्ड करना है, पी को पॉजिटिव और इसको नेगेटिव के साथ, ठीक है बेटा जी। तो यह बैटरी होगी वीईबी, वीईबी क्योंकि किसके क्रॉस है एमिटर और बेस, एमिटर और बेस के क्रॉस है, तो ये हमने कर दिया फॉरवर्ड, क्योंकि बेटा मैंने पहले बताया था इसको आपने, इसको जो बेटा क्या करना मेरे बेटा, इसको आपने क्या लिखा था फॉरवर्ड, यस दैट इज द फॉरवर्ड, दैट शुड बी द फॉरवर्ड, क्या होना चाहिए बेटा फॉरवर्ड, हो गया बेटा। अब सुनो ध्यान से, ये तो फॉरवर्ड करना है, यू क्या करना है रिवर्स, तो रिवर्स करना, तो बेटा ध्यान से देखिए, ये जो पी है इसको किसके साथ जोड़ोगे, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये क्या बेटा पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो ये क्या है कलेक्टर और बेस, कौन सी बैटरी है बेटा कलेक्टर और बेस, ये कलेक्टर और ये बेस है, ठीक है बेटा। ये तो सिंबल है, वैसा सिंबल है बेटा जर्नल, लेकिन हमने सिंबल बनाना बेटा, सिंबल कैसे बनाओगे बेटा, अब मैंने आपको बता रखे है सिंबल बनाने का तरीका, ये है बेटा, और यदि ये कौन सा ट्रांजिस्टर है बेटा पीएनपी, कौन सा बेटा पीएनपी है, तो क्या होगा डायरेक्शन ये बनेगी, ये क्या बेटा एमिटर, ये क्या बेटा कलेक्टर, और ये क्या बेटा बेस, इसको क्या करना बेटा, क्या करना था फॉरवर्ड, पी को पॉजिटिव एन के साथ नेगेटिव, तो यह कौन सी वोल्टेज है वीईबी, ठीक है बेटा, लो वोल्टेज के साथ फॉरवर्ड बायस, और इसको क्या करना था बेटा, इसको क्या करना बेटा, ये पी है, पी को माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, दैट इज द पॉजिटिव दैट इज द नेगेटिव, ये कौन है बेटा कलेक्टर। तो आपने ये मैंने पहले बोला था बेटा, आपने ये बनाना है, ठीक है जी, बन गया बेटा सिंबल, बन गया सिंबल, बनने के बाद वर्किंग समझ लो बेटा, क्या लिखोगे, वी नो दैट द व्हेन वी आर टेकिंग ए पीएनपी ट्रांजिस्टर, क्या ले रहे बेटा हम पीएनपी ट्रांजिस्टर ले रहे हैं, वी नो दैट देयर इज अ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर और आर द होल्स इन द पी टाइप, पी में कौन है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल्स है, क्या बेटा होल्स है, और एन में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इसकी एक क्या थिन है, थिन है नंबर डेंसिटी करेगी कम, और इसकी नंबर डेंसिटी होल में क्या ज्यादा है, तो क्या लिखो बेटा इसमें वर्किंग में, लेट अस कंसीडर, लेट अस कंसीडर ए पीएनपी जंक्शन ट्रांजिस्टर, जंक्शन ट्रांजिस्टर, ठीक है, वेयर
एमीटर बेस, एमीटर बेस इज फॉरवर्ड बायस, एमीटर बेस इज फॉरवर्ड बायस, एमीटर बेस क्या करना बेटा, फॉरवर्ड बायस करना है किसके साथ, विद ए लो वोल्टेज, विद ए लो वोल्टेज बैटरी, विद ए लो वोल्टेज बैटरी कौन सी है, वी ई बी, किसके साथ देखो बेटा, ये रहा देखिए, ये रहा वी बी के साथ लो वोल्टेज बैटरी, इसके साथ क्या करना है फॉरवर्ड, यह बात हमने लिख दी भाई। लेट अस कंसीडर पीएनपी जंक्शन ट्रांजिस्टर वेयर एमिटर बेस इज फॉरवर्ड बायस विद अ लो वोल्टेज बैटरी एंड कलेक्टर बेस इज रिवर्स बायस्ड, इज द रिवर्स बायस्ड किसके साथ, विद ए हाई वोल्टेज, विद ए हाई वोल्टेज बैटरी, विद ए हाई वोल्टेज बैटरी कौन सी है बेटा, वी सी बी, वी सी बी, ठीक है भाई। तो अब सुनो ध्यान से, यहां देखो, देखिए यहां देखो, यू पी आर यू, देखिए इधर साइन, यू पी आर यू एंड पी एन जंक्शन क्या बन गया, पी एन जंक्शन क्या हुआ, फॉरवर्ड है तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम डिक्रीज, इनपुट का रेजिस्टेंस क्या होगा बेटा, डिक्रीज, क्या होगा बेटा, द रेजिस्टेंस ऑफ किसका बेटा, द रेजिस्टेंस ऑफ द एमिटर बेस जंक्शन, एमिटर बेस जंक्शन, एमिटर बेस जंक्शन इज लो, इज लो, रेजिस्टेंस क्या होगा बेटा, लो होगा, ठीक है। सो मेजोरिटी चार्ज कैरियर, मेजोरिटी चार्ज कैरियर, मेजोरिटी चार्ज कैरियर जो क्या आ गई, विच आर होल्स इन इनपुट, विच आर होल्स इन द इनपुट, देखो यार एक मिनट देखो, सो लिया इसमें कौन है मेजोरिटी, होल्स है, यू केयर है बैटरी का, पॉजिटिव क्या करेगा, होल है रिपल, पॉजिटिव क्या करेगा बेटा, रिपल बेटा, यू होल्स पॉजिटिव हो गया और यू क्या है बैटरी का, पॉजिटिव क्या कर देगा ना, रिपेल, कितने परसेंट होल, 100% होल रिपेल कर देगा, तो इसका मतलब है, इसलिए इसका नाम क्या है, एमिटर, क्योंकि क्या कर रहा है, एमिट मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स को, तो बेटा क्या लिखेंगे, क्या लिखा, द मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स, सो मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स विच आर होल्स इन द इनपुट आर रिपेल्ड बाय पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, रिपेल्ड बाय द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, कौन सी है बेटा बैटरी, वी ई बी, ठीक है। तो सारे मेजोरिटी चार्ज कर रहे रिपेल हो जाएंगे बेटा, इधर जाएंगे, ठीक है। तो सो इट कॉज ऑफ एमिटर करंट, इट कॉज ऑफ एमिटर करंट, किसका कारण बनेगा बेटा, यो एमिटर करंट का कारण बनेगा, विच कॉज ऑफ द एमिटर करंट, किसका कारण बनेगा बेटा, एमिटर करंट का कारण बनेगा, 100% होल गए, 100% होल कहां था, कहां गए, 100% होल थे पी से इस साइड बेस में, एमिटर से किस में गए बेटा, होल्स में गए, और जिनकी वजह से कौन सा करंट बनेगा, एमिटर करंट, तो बेटा एमिटर करंट ये देखिए, ये रहा एमिटर करंट, ये पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये रहा बेटा पॉजिटिव टू नेगेटिव, एमिटर करंट कौन सा करंट है, आई ए, कौन सा करंट है बेटा, आई ए, तो इसका मतलब पॉजिटिव टू नेगेटिव, यहां कौन सा करंट है बेटा, एमिटर, कौन सा करंट है बेटा, यो एमिटर करंट है, ठीक है बेटा, ये करंट कौन सा आ गया बेटा, एमिटर करंट आ गया, कितने और पे जगह है भाई बेटा, कितने और पे जगह, यू पॉजिटिव है, अभी क्या पॉजिटिव, इन्हें क्या करेगा, सारो ना रिपेल, कितने परसेंट, 100% ऑलवेज दिए, उनकी वजह से करंट कितना बन गया, एमिटर करंट, एमिटर करंट बन गया, उन 100% मत है, सारे ऑल गए, किसमें गए, इसमें, इसमें नंबर डेस्ट इलेक्ट्रॉन की क्या है, छोट कम है, सिर्फ 5% ऑल
100% आए थे, 5% रजिस्टर मिस में एंटर करेंगे ना, ऐसे ऐसे ये एंटर करेंगे बेटा, ऐसे ऐसे एंटर करेंगे, 100% ओल, 100% ओल एंटर करेंगे, लेकिन बेटा इन मतलब 5% के देंगे न्यूट्रल, क्योंकि नंबर डेस्टी ने कम किया है, और कम है, कम का मतलब बहुत कम है, बहुत कम है तो सिर्फ 100% में तो कितने 5% वो क्या जगह न्यूट्रल, एक वोलर एक इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तो क्या बनेगा, करंट बनेगा, वो कौन सा करंट होगा, बेस करंट, कौन सा होगा बेटा, बेस करंट, ए यू होगा थोड़ा बेस करंट, कौन सा होगा बेटा, कितने परसेंट की वजह से आया, सिर्फ 5% ओल का 5% है, ओल करंट का 5%, तो इसका मतलब क्या लिखा, क्या लिखा बेटा आपने, रिपेल बाय द पॉजिटिव टर्मिनल इट कॉज ऑफ द एमिटर करंट, हेंस 100% होल्स आर मूव्स टू द, किसमें चले गए रहे, थिन रीजन, मूव्स टू द थिन रीजन, थिन रीजन में क्या है, हैविंग स्मॉल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, हैविंग स्मॉल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, सो ओनली कितने परसेंट रहे, 5% होल्स आर क्यों जगह कंबाइन, किसके साथ, इलेक्ट्रॉन के साथ, होल्स आर कंबाइंड विद द इलेक्ट्रॉन्स इन द बेस, इन द बेस सिर्फ क्या परसेंट है, 5%, 100% बेस दिए उन मतलब 5% किस में चले गए, बेस में चले गए, तो क्या बनाया, विच कॉज ऑफ द बेस करंट जो किसका कारण बनेगा बेटा, बेस करंट का कारण बनेगा, और आई बी कितना परसेंट आ रहा, ओनली 5% किसका रहा है, एमिटर करंट का, ओनली 5% ऑफ द एमिटर करंट, क्योंकि एमिटर 100% भेजे भाई, 100% भेज दिए उन मतलब 5% क्यों गए, उन मतलब 5% या दे देंगे न्यूट्रल, एक होल एक इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तो क्या बनेगा, करंट नहीं बनेगा, करंट बने कौन सा करंट बने, वो कौन सा करंट बनेगा था, बेस करंट, लेकिन कम बनेगा क्योंकि कितने 5% है, तो बच गए कितने परसेंट, 95 कौन कलेक्ट कर लेगा, कलेक्टर क्यों करेगा कलेक्ट, क्योंकि हाईली नेगेटिव कहां जाओगे, कलेक्टर में जाओगे, ठीक है बेटा, क्या लिखोगे आगे, नाउ 95% होल्स मूव टू द, कहां गए रहे, मूव टू दी कलेक्टर, और जब कलेक्टर में एक होल, देखो यहां यह पानी बहुत अच्छी है, यह पानी बहुत अच्छी है, ये रहा, जब यह आता कलेक्टर में एक होल, और यू क्या है माइनस का, इसके साथ आएगा क्या जगह न्यूट्रल, तो क्या बना होगा, कंट्री बना होगा, यहां तो होल बेटा यू माइनस, यू और प्लस, और यू माइनस क्योंकि न्यूट्रल हो गया, न्यूट्रल उसी टाइम या बोन टूटेंगे उसी टाइम, सेम टाइम बोन में क्या हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन और एक होल्स बेटा, जब यह होता है एक होल्स नहीं जाएगा, आने तो 95% है, मैं एक की बात कर रहा, 95% आएंगे सारे के सारे, क्योंकि ये क्या कलेक्टर में क्या करेगा, कलेक्ट क्या ये नेगेटिव, एक होल की बात कर, जब एक होल आओगा ना, यहां क्या है इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि नेगेटिव है पॉजिटिव है, क्यों कौन सा करंट बनेगा, कलेक्टर करंट, कौन सा बनेगा बेटा, कलेक्टर करंट बनेगा, तो बेटे उसी टाइम यहां बोन टूटेगा, यहां बैटरी के सिरे पे यहां बोन, देखिए बोन टूटने का एक प्लस बना कर एक माइनस बना कर, माइनस तो क्या जगह अट्रैक्ट, क्योंकि प्लस का संख्या कम होनी चाहिए, तो संख्या कम हो जाएगी ना, 100% ओल भेज दिए या 5% कट गए या 95% खत्म हो गए, इसका मतलब वर्किंग तो खत्म हो जानी चाहिए, लेकिन बेटा वर्किंग एक प्रोसेस चलती रहती, क्योंकि ये क्या करंट कैरियर, क्या बेटा ये करंट कैरियर, यू तो 5% करंट रन लेकर चल रहा है, यू कितने परसेंट करंट रन लेकर चल रहा है, 95% इनपुट के करंट रन, समझ गए ना, एक देखो बेटा यहां मैंने क्या कहा, बोन टूटेगा एक होल और एक इलेक्ट्रॉन, यहां एक प्लस और एक माइनस, यू क्या है माइनस का तो कितना कर लेगा, प्लस ना क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉन ही रहेगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या पूरी रहेगी, समझ गए, और यहां किसकी संख्या पूरी रन रहेगी, होल्स की, किसकी पूरी रन रहेगी बेटा, होल की, समझ गए ना, अब क्या है, क्या लिखा आपने वहां थ्योरी में,
शुरू में क्या लिखा, सो 95% में क्या बेटा 95% होल्ड मूव टू द कलेक्टर व्हेन व्हेन ए होल्ड्स, व्हेन ए होल्ड्स कहां जाओगा, व्हेन ए होल्ड्स गोज टू नेगेटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ वी सी बी इट बिकम न्यूट्रलाइज, इट बिकम न्यूट्रलाइज एंड काज ऑफ किसका काज बनेगा, काज ऑफ कलेक्टर करंट, काज ऑफ द कलेक्टर करंट। और कितने परसेंट हो रहे हैं, 95 आएंगे तो करंट काज है कलेक्टर करंट, हेंस 95% ऑफ होल्स, 95% होल के लिए बेटा सारे का सारा क्या बनेगा कलेक्टर करंट बन जाएगा, कितना बनेगा 95% किसका रहा है एमिटर करंट का, 95% ऑफ द एमिटर करंट। ठीक है बेटा, ये भी एक बात और लिखनी भाई, जब एक होल, एक होल आया था बेटा ये रहा नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बीसीबी देन बिकम बी न्यूट्रल, न्यूट्रल उसी टाइम के था, एट द सेम टाइम बॉन्ड विल बी ब्रेक इन द इनपुट, एट द सेम टाइम एक्विवेलेंट बॉन्ड, एक्विवेलेंट बॉन्ड विल ब्रेक, एक्विवेलेंट बॉन्ड विल ब्रेक कहां, एट इनपुट, एट इनपुट। ठीक है, दो क्या देगा भाई, विच गिव्स क्या रहा है होल्स एंड इलेक्ट्रॉन देगा, अबे विच गिव देखा ए कोवलेंट बॉन्ड विल ब्रेक एट इनपुट, इनपुट पे तो बेटा इनपुट में मना अलग अलग बात लिख सकते हैं हम, लिखेंगे फिर अलग अलग लिखा, इनपुट ही है बेटा, यहां बॉन्ड टूटे यहां बॉन्ड टूटे क्या बना एक और सर एक इलेक्ट्रॉन्स, विच कंप्लीट द कंसंट्रेशन ऑफ द इनपुट, जो किसको कंप्लीट करने लग रही इनपुट की कंसंट्रेशन को, जो क्या किसको कंप्लीट करे बेटा, विच क्या लिखा सेम टाइम द बॉन्ड विल बी ब्रेक एट द इनपुट विच गिव द होल्स एंड इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट द साइकिल, टू कंप्लीट द साइकिल, वह साइकिल। अरे बेटा सुनो मान रहे यू रहा कहानी, 100% भेजे इन 5% यूपी क्या मिलने तक क्या बना करंट, कौन सा करंट 20 करंट बच गया 95%, 95% ने क्या कर लिया कलेक्ट कर लिया क्योंकि नेगेटिव है, नेगेटिव से बोलना कलेक्ट कर लेगा खत्म हो गया, लेकिन खत्म नहीं हो गया बोल टूट दे रहा हुआ इलेक्ट्रॉन इसके पूरे अंदर होंगे और इसके ऑल, ये प्रोसेस चलती रहती है, करंट को सेंड करने का ना बेटा समझ गए, तो इसका मतलब है जो इनपुट का करंट है देखना इक्वेशन एक और दो को बेटा, इक्वेशन एक यार ही और इक्वेशन दो यार दोनों जोड़ियो फ्रॉम एडिंग इक्वेशन वन एंड टू, ऑन एडिंग इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू क्या बन गया भाई आई डी प्लस आई सी, वो क्या परसेंट था रहा है कितना है क्यों गया 100% हो गया के बन गई हूं आई ई बराबर रहेगा बेटा आई बी प्लस आई सी, ये आएगा बेटा आई बी प्लस आई सी की एमिटर का करंट हमेशा किसके बराबर होता है बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट, लेकिन बेटा यहां डायग्राम में प्लीज डायग्राम में देखिए क्या होगा, ये तो बड़ा डायग्राम नहीं रहा देख एमिटर करंट अभी कौन सा करंट आ रहा है कौन सा आया बेस करंट, आपने बेस करंट को देखना इसके अनुसार, इनपुट का करंट देखना इसके अनुसार, इनपुट करंट के लिए आपने ये देखना है करंट को कहां तक पॉजिटिव नेगेटिव, तो कौन है एमिटर है तो एमिटर करंट यू क्या है नेगेटिव के अंदर आएगा समझ गए ना, लेकिन नेगेटिव में इसमें तो गया कितना करंट रहा है यार कितना करंट रहा आई ई, तो आएगा भी कितना बेटे आई ई आएगा जितना ज्यादा उतना आग रहा है, लेकिन यू नीचे नीचे कितना रहा बेस, तो दोनों न्यू होंगे आगे यू आ जाएगा फ्रॉम पॉजिटिव टू इसमें क्या होगा करंट, ये क्या था नेगेटिव तो नेगेटिव टू करंट का पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो ये कौन सा करंट आ रहा है कौन सा करंट आया कलेक्टर, कौन सा करंट था बेटा कलेक्टर करंट था, ये कौन सा कलेक्टर
करंट और यू पॉइंट ले लो एल पॉइंट, कोई पॉइंट ले लो बेटा एल पॉइंट, इस पर क्या लगाओगे के सी एल, क्या लगाओगे के सी एल, क्रिचॉफ्स रूल, ये रहा मेरा एल पॉइंट। या करंट क्या हो रहा है पॉजिटिव टू, करंट क्या होता है बेटा पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो कौन सा करंट है कलेक्टर, इसमें बैटरी में तो कौन सा करंट लगेगा कलेक्टर, तो किस पॉइंट पर लगाओगे एल पॉइंट पर क्या लगा दोगे के सी एल, तो एट पॉइंट एल द के सी एल, एट पॉइंट एल अप्लाइंग, पता भी लग जाएगा लम नमम ठीक है कि नहीं है, अप्लाइंग के सी एल क्रिचॉफ्स करंट लो बेटा, देखना इस पे के सी एल पे जो अंदर आ रहे प्लस और जो बाहर जा रहा, अरे भाई इसमें अंदर कौन कौन है आईडियल आईसी, ये प्लस और यू माइनस, ठीक है बेटा तो क्या ले होगे? क्या ले होगे? आई बी प्लस आई सी माइनस आई ई बराबर क्या हो रहा टोटल करंट जीरो, इन्हें ले दो आई में क्या गया आई ई बराबर आएगा बेटा आई बी प्लस आई सी, ये प्रूफ भी होगा भाई टोटल करंट कलेक्टर एमिटर का करंट बराबर हो रहा है कौन बेस करंट और कलेक्टर करंट, समझ गए करिए ना भाई, इसका नाम करंट कंट्रोल डिवाइस क्यों रखा बेटा, क्योंकि आउटपुट का करंट किसका कंट्रोल होने लग रहा है इनपुट का, इनपुट का कंट्रोल होने लग रहा आउटपुट है, ठीक है बेटा ये है कंट्रोल डिवाइस करंट कंट्रोल डिवाइस, इंपॉर्टेंट है पता लग गया सिंपल वे में, ठीक है बेटा ये था आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक।